हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट वन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट वन जो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है द हाई टर्क टू वेट रेशियो इन एन एनालो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स तो कह रहा हाई टर्क टू वेट रेशियो जो है एन अलो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या इंडिकेट करता है तो ये लो फ्रिक्शन लॉस इंडिकेट करता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लो फ्रिक्शन लॉस मींस हाई टर्क टू वेट रेशियो होगा तो फ्रिक्शन लॉस क्या होगा कम होगा सेकेंड क्वेश्चन है इन ए सीरीज टाइप ऑफ ओम मीटर द जीरो एडजस्टिंग शुड बी डन जीरो एडजस्टिंग कैसे होता है बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सन्ट रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द मीटर मोमेंट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है हॉर्जेंटली माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज हॉर्जेंटली माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज करता है तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करता है हॉरिजेंटली माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन नंबर फोर देखिए विच मीटर हैज़ द हाइएस्ट एक्यूरेसी इन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज कौन सा मीटर हो जाएगा इलेक्ट्रो डाइनमोमीटर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए द प्रेशर क्वाइल ऑफ ए डाइनोमीटर टाइप ऑफ वाट मीटर इज जो प्रेशर क्वाइल होता है डायनमोमीटर का डायनोमीटर टाइप वाट मीटर का वो क्या होता है तो हाईली रेसिस्टिव होता है ऑप्शन बी हो जाएगा हाईली रेसिस्टिव क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए इन ए इंडक्शन टाइप इनर्जी मीटर कंपनसेशन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड बाई कैसे होता है सैडिंग बैंड विच आर एक्वेटेड बाई टू प्रोवाइड ए कॉन्स्टेंट टर्क इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए द कंट्रोलिंग टर्क इन सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर इज़ प्रोवाइडेड बाय पावर फैक्टर मीटर में सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टर्क किससे प्रोवाइड होता है तो किसी से नहीं होता है नन ऑफ डीज हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्वेश्चन नंबर एट है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ देखिए मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज से हम लोग मीडियम क्यू कॉइल को मेजर करते हैं मीडियम क्यू कॉइल को मेजर करते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज से नाइन देखिए नाइन क्या है इन ए सी आर टी द फोकसिंग एनोड इज लोकेटेड सी आर टी में कह रहा है फोकसिंग एनोड जो है कहाँ लोकेट होता है बिटवीन प्री एक्सेलरेटिंग एंड एक्सलरेटिंग एनोड्स ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर टेन देखिए ड्यूरिंग द रिट्रेस टाइम द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द औरटल बीम औरटल बीम को जो फॉर्म करता है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन द स्क्रीन ऑप्शन बी हो जाएगा दसमा का क्या आ जाएगा बी ये आपका सपोज कीजिए स्क्रीन है ये आपका ट्रेस लाइन है ये रिट्रेस लाइन है जो फ्लाइंग बैक होता है फिर ये ट्रेस लाइन ये रिट्रेस लाइन फिर ये ट्रेस लाइन रिट्रेस लाइन तो ट्रेस लाइन जो है इसको हम लोग ट्रेस लाइन बोलते हैं ट्रेस लाइन जो है हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है लेफ़्ट टू राइट वही रिट्रेस लाइन जो है राइट टू लेफ्ट जाता है बहुत कम टाइम लेता है मात्र 12 माइक्रो सकेंड लेता है वही ट्रेस जो है वो 52 टू माइक्रो सैकेंड होता है दोनों ये जो ये ट्रेस लाइन या फिर रिट्रेस जो फ्लाइंग बैक होता है इसमें आपको 64 माइक्रो माइक्रोसेकेंड लग जाता है जिसमें बावन सेकेंड जो है ट्रेस लाइन के लिए लगता है और 12 सेकेंड जो है रिट्रेस लाइन के लिए लगता है टोटल 64 फोर सेकेंड माइक्रोसेकेंड क्वेश्चन नंबर 11 देखिए द स्मॉलेस्ट चेंज इन ए मेजर्ड वेरिएबल टू विच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड क्या बोलेंगे इसको रिजोल्यूशन। द स्मॉलेस्ट चेंज इन ए मेजर्ड वेरिएबल टू विच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड रिजोल्यूशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिसाइड्स द टाइम ऑफ रिस्पांस ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा डिसाइड दिस, करता है टाइम्स ऑफ रिस्पॉन्स डैम्पिंग सिस्टम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डैम्पिंग सिस्टम डिसाइड करता है टाइम ऑफ रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए विच ब्रिज इज़ यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं तो वेन ब्रिज का यूज करते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा वेन ब्रिज का वही मैक्सवेल एंडरसन और हे ब्रिज से हम लोग क्या यूज करते हैं मीडियम क्यू कॉयल हाई क्यू कॉयल लो क्यू क्वाइल मीस हम लोग हाई क्यू कॉयल मीडियम क्यू कॉयल और लो क्यू कॉल मेजर करते हैं वेन ब्रिज से हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द लीजेसियस पैटर्न विथ इक्वल वोल्टेज ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट बाई नाइन्टी इज़ जब देखिए इक्वल वोल्टेज ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी होगा और फेज शिफ्ट जीरो या नाइन्टी होगा तो सर्कल बनाएगा वही जब फेस फेज शिफ्ट आपको जीरो या नाइन्टी नहीं दिया रहेगा तो वो क्या बनाएगा इलिप्स बनाएगा लेकिन यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का फेज शिफ्ट है तो क्या हो जाएगा सर्कल हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए लॉस ऑफ चार्ज मैथड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंसीज एसोसिएटेड विद द डिफिकल्टीज एंड एरर्स गोइंग टू लीकेज एंड एब्जॉर्बन इफेक्ट्स ड्यूरेशन ऑफ अप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज टेम्परेचर इफेक्ट ऑन इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑल ऑफ द एवब क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एवब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए द पावर मेजरमेंट इन ए बाइलेंस थ्री फेज सर्किट कैन बी डन बाय तो पावर मेजरमेंट जो है बाइलेंस थ्री फेज सर्किट में हम लोग किसी भी से भी कर लेते हैं वन वाट मीटर मेथड से भी करते हैं टू वाट मीटर मेथड से भी करते हैं और थ्री वाट मीटर मेथड से ही करते हैं तो एनी ऑफ द एवव हो जाएगा एनी ऑफ द एव क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखिए मूविंग आयरन एंड पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंगाइज फ्रॉम ईच अदर बाई लुकिंग एट स्केल स्केल का जो स्केल होता है स्केल जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है वही पीएमएमसी का जो स्केल होता है हम आपको बताएंगे डिफ्लेक्शन जो होता है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है किसमें मूविंग आयरन में जिसके कारण क्या होता है उसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है मूविंग आयरन में वही पी में क्या होता है डिफ्लेक्शन जो होता है पॉइंटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट होता है तो इसका जो होता है पी का उसका स्केल यूनिफॉर्म होता है वही मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए द मटेरियल यूज टू मेक स्टैंडर्ड रिस्टेंस इज स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं मैगनीन का यूज करते हैं नॉर्मली मैगनीन का यूज करते हैं उसका विशेषता क्या है मैगनीन का जो है हाई रेसिस्टिविटी होता है क्या होता है हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी होता है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है लेस होता है किसका मैगनीन का हाई रेसिस्टिविटी होता है टेम्परेचर कोफिशियन ऑफ रेसिस्टेंस जो है लेस होता है लो होता है और ये जो है मैगन जो है लीस्ट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर टेम्परेचर से बहुत कम इफेक्ट पड़ता है इस पर तो यही तीन खासियत है जिसके कारण मैगन को हम लोग प्रीफर करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए इन ए रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर ऑल द रीड्स हैव रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में क्या होता है डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाई डिफ बाय डिफरेंस इन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एड्सेंट रीड इज़ ज़ीरो पॉइंट फाइव हर्ज डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना भी रीड होता है सात रीड होता है उस डिफरेंट रीड का जो है फ्रीक्वेंसी क्या होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है और दोनों के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो पॉइंट फाइव हर्ज का होता है मीन सपोज कीजिए एक आपका फोर्टी एट होगा तो दूसरा फोर्टी एट पॉइंट फाइव फिर हो जाएगा फोटी नाइन फिर फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव फिर फिफ्टी फिर फिफ्टी पॉइंट फाइव इस तरह से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए कह रहा ए डायनमोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर है डायनमोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है वन करेंट सर्किट होता है और टू प्रेशर सर्किट होता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट है ग्रुप बी का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप जो कि चार नंबर का क्वेश्चन होता है पांच क्वेश्चन आपको आंसर करना रहता है डिस्क्राइब द वेरियस ऑपरेटिंग फोर्सेज नीडेड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ एनालो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कर रहा एनालो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए जो क्या क्या प्रॉपर फोर्स चाहिए उसको लिखना है एक्सप्लेन दोर्सेस ऑफ इरर इन सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मोटर सिंगल टाइप सिंगल फेज इंडक्शन टाइप इनर्जी मोटर में क्या ईरर आता है उसके बारे में लिखना है एक्सप्लेन करना है वाट इज़ डिफरेंट डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या डिफिकल्टीज आता है और कैसे उस डिफिकल्टी से हम लोग निकलते हैं ओवरकम हो करते हैं डिस्क्राइब एन ओवर व्यू ऑफ अप्लिकेशन ऑफ सी आर ओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में उसका अप्लीकेशन लिखना है तो कैथोड रे ऑसिलो से हम लोग क्या मेजर करते हैं फेज डिफरेंस मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं टाइम मेजर करते हैं तो ये सब चीज़ हम लोग सीआरओ की मदद से करते हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर का वर्किंग लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस सोर्सेस ऑफ़ एरर्स इन एसी ब्रिज एसी ब्रिज में क्या डिफरेंट सोर्सेस ऑफ़ एरर है एक्सप्लेन द टेक्निक यूज फॉर देयर इलिमिनेशन मिनिमाइजेशन ऑफ दिज एरर और ये जो एरर आता है उसको ख़त्म करने के लिए कम करने के लिए कौन सा मेथड है हाउ इंडल्प ऑफ ब्रिजेज इंडक्टेंस कैसे हम लोग मेजर करते हैं ब्रिज की मदद मतलब से ड्र सर्किट एंड ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइलेंस मैक्सवेल ब्रिज बनाना है या बाइलेंसिंग कंडीशन को दिखाना है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए फ्लक्स मीटर विथ नीट डायग्राम फ्लक्स मीटर बनाना है फ्लक्स मीटर का डायग्राम बनाना है और उसके उसका वर्किंग लिखना है कैसे काम करता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग किसी दो पे आपको लिखना है चार दिया हुआ है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट या मेगर है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हो जाएगा पी एम एम सी मीटर डी आर सोनेबल गैलवे ये सब मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है वही मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें आयरन मूव करता है थ्री फेज पावर मेजरमेंट बाय टू वाट मीटर मैथड फ्रिक्वेंसी मीटर किसी एक दो पे लिखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज ड्रॉ द इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस एंड डिसपेशन फैक्टर ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ द ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन शेयरिंग ब्रिज के बारे में लिखना है इक्वेशन लिखना है और फेजर डायग्राम बनाना है डिस्क्राइब हाउ हाई करेंट एंड वोल्टेजेज आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद मतलब से कैसे हाई करेंट और वोल्टेज मेजर हो जाता है और उसका डायग्राम बना के इलस्ट्रेट करना है बताना है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप इनर्जी मीटर सिंगल फेज इंडक्शन टाइप इनर्जी मीटर के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन करना है और वर्किंग लिखना है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सी आर ओ विथ नीट डायग्राम कैथोड रे सी आर ओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को बनाना है सी आर ओ को और गिव डिटेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीआरओ और सीआरओ का जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में आपको लिखना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ़ फ्रीक्वेंसी करा रहा कितने तरह का फ्रीक्वेंसी मीटर जो है फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज़ करता है होता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी वन किसी एक के बारे में आपको लिखना है एक्सप्लन द कंस्ट्रक्शनल डिटेल एंड वर्किंग ऑफ एंड इलेक्ट्रो डाइनमोमीटर इलेक्ट्रो डाइनोमीटर का कंस्ट्रक्शनल डिटेल और वर्किंग लिखना है कंस्ट्रक्शन करना है वर्किंग लिखना है हाउ उड क्वेश्चन नंबर एलेवन है हाउ उड यू क्लासीफाइड असिस्टर्स एक्सप्लन द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लोअर असिस्टेंस यूजिंग एमीटर एंड वोल्ट मीटर एमीटर और वोल्ट मीटर का यूज करके लोअर असिस्टेंस को मेजर करना है डिस्क्राइब द मैथड टू मेजर द पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर मीटर पावर फैक्टर मीटर की मदद से पावर फैक्टर को मेजर करना है उसी मैथड को डिस्क्राइब करना है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शनल डिटेल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रो डायनोमीटर इलेक्ट्रोडाइनोमीटर का कंस्ट्रक्शन करना है और उसका वर्किंग को लिखना है तो इस तरह से डिफ्रेंट सारा क्वेश्चन है जो टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था आप देख सकते हैं स्क्रीन पे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच